بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عماد الدين الشهر मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों और भाइयों, मस्जिद वन मोमेंट के उलमाए कराम जो इस खिदमत खल्क से जुड़े हुए हैं, काफ़ी मशवरों के बाद, काफ़ी मेहनतों के बाद दो शोबों पर ख़ास तौर से खिदमत करने का बेड़ा उठाया है। पहली खिदमत है जो पेशेंट डायलिसिस के मुख्ताज बनकर अस्पतालों में जाते हैं, उनको कराते रहना पड़ता है ये काम। एक मरतबा कराने पर 3,500 से 4,000 रुपये का कम से कम खर्च आता है। अलावा अजी अद्वियात का भी खर्च है और दीगर अखराजात भी इसके पीछे लगे हुए रखते हैं। ज़ाहिर है कि ये अखराजात एक औसत आमदनी रखने वाले के लिए भी बड़े परेशान कुन हैं। ये वह इसको अदा नहीं कर सकता है, बहुत परेशान रखते हैं। इधर डायलिसिस करे, फिर 2-4 दिन के बाद फिर दोबारा वो तकलीफ बड़ी, फिर डायलिसिस करना पड़े, फिर वही 4,000-5,000 फीस होती है, दवाइयाँ होती हैं, इंजेक्शन होता है वगैरह वगैरह। काफ़ी इसके पीछे गोया के पूरा घर एक पेशेंट के पीछे परेशान रहता है। माशी परेशानियाँ तो आज के यूँ तो कम नहीं हैं, अस्पताल के अखराजात कहाँ से अदा करेंगे। इसलिए मस्जिद वन मोमेंट के हज़रात उलमाए कराम की निगरानी में खिदमत का एक बेड़ा उठाया है कि जिन लोगों को डायलिसिस की ज़रूरत होती है वह अल अंसार हॉस्पिटल में एडमिट होकर वो डायलिसिस कराना चाहते हैं, वो सिर्फ 400 रुपये अदा करें एक डायलिसिस के लिए। बाकी जो अखराजात आते हैं वह मस्जिद वन मोमेंट के हज़रात उलमा की निगरानी में जो ट्रस्ट होगा वो पे करेगा, 500 रुपये हो या 600 रुपये हो, जो भी है, पेशेंट से सिर्फ 400 रुपये लिए जाएंगे डायलिसिस के लिए। इसके अलावा एक इंजेक्शन होता है जो तकरीबन 3,000 रुपये उसकी कीमत होती है, जो महीने में लगाना पड़ता है, शायद डॉक्टर्स लोग कहते ही हैं, तो उसके लिए बहुत ही जी बातचीत करके, नतीजे निकाल कर, गौर खोज करके, बेंगलुरु के डॉक्टर ताहा मतीन साहब से राय मशवरा करके उस इंजेक्शन को 3,000 के बजाय 300 रुपये में वो इंजेक्शन मिलना, दस्तियाब होना तय हुआ। इंशाल्लाह वो भी यहाँ हम 300 रुपये तक उसकी कीमत के साथ वो आपको अदा करेंगे। तो ये एक खिदमत का एक शोबा जो डायलिसिस वाले हैं अखबाब, उनके लिए एक सहूलत है। पहले तो दुआ करें अल्लाह सबको सेहत व आफियत, सलामती और तंदुरुस्ती दे, आज़ा के तल्फ होने से, कल्ब के फेल हो जाने से, जिगर के फेल हो जाने से, गुर्दों के फेल हो जाने से अल्लाह सबकी हिफाजत फरमावे। खुदा न खास्ता अगर ये 2-4 हो जाते हैं तो इंशाल्लाह वो एक हम जी आपकी तकलीफ़ में कुछ हाथ बटाना तय किया है ताकि आप 400 रुपये के अंदर डायलिसिस कर लें। डायलिसिस वालों के लिए कौर खबर ये है कि एक एम्बुलेंस इस काम के लिए हमने कौम के नाम पर वक्फ करना तय किया है फ्री। जहाँ भी डायलिसिस का मरीज़ हो वो एम्बुलेंस उसके घर जाएगी, लेकर आएगी, डायलिसिस करेगी, फिर दोबारा उसको ले जाकर घर छोड़ेगी। पेट्रोल का कोई मुआवजा आपका नहीं होगा, आपसे कोई फीस एम्बुलेंस के नाम पर, डॉक्टर की, ये ड्राइवर की ट्रिप वगैरह कुछ नहीं होगा, मुफ्त आपके लिए सहूलत है। जहाँ भी मैसूर के अतराफ अकनाफ में जितने भी पेशेंट हो उनको लेकर जाएंगे, उनको लाकर फिर दोबारा घर पर छोड़ेंगे। सहूलत ये भी मस्जिद वन मोमेंट की तरफ से इंशाल्लाह ये कौम के लिए सहूलत हो गई है। इंशाल्लाह 8 दिन के अंदर यह सहूलत का इजरा अमल में आ जाएगा। आइंदा जुम्मा बाद नमाज मगरिब
ये डायलिसिस की ओपनिंग इंशाल्लाह अल अंसार हॉस्पिटल में होगी हजरत उलमा की निगरानी में, और वो अराकीन भी रखेंगे, आप हजरत भी तशरीफ ला सकते हैं, लाए, ये बहुत ही खिदमत का अजीब मौका है, खिदमत में आप हजरत भी हाथ बटाएं तो इंशाल्लाह बड़ी मेहरबानी होगी। दूसरा खिदमत कल्ब का शोबा, जो ड्रॉप आउट बच्चे फीस अदा न करने की बुनियाद पर जी ज़हनी सलाहियत रखते हुए भी वो घर में रहते हैं, बेकारी की शाख को जाते हैं, काम में लग जाते हैं, हालांकि पढ़ने की सलाहियत है, फीस नहीं अदा कर सकते, उनकी मदद के लिए भी जी कबीर स्कूल में उनका दाखिला हो तो मस्जिद वन मोमिन के हजरत उलमा की निगरानी में माहाना 750 रुपये उनके फीस वगैरह के सिलसिले में हम उनको अदा करके उनकी तालीम को हासिल करने में हम उनकी मदद करेंगे। ये दो अहम शोबे हैं जो इंशाल्लाह बहुत जल्द ही अमल में आ रहे हैं ये, और बाकी इंशाल्लाह जैसे सहूलत होगी दीगर मरीजों के लिए भी हम कुछ कर सकते हैं। अल्लाह हमसे खिदमत ले ले, कमज़ोर हैं, आप सब हजरात हमारे लिए दुआ फरमाएं, जो भी खिदमत का मौका होगा हम करने के लिए तैयार हैं। ये दो अहम शोबे हैं जिस पर इंशाल्लाह बहुत जल्द एक हफ्ते के अंदर ये, और बाकी इंशाल्लाह जैसे सहूलत होगी दीगर मरीजों के लिए भी हम कुछ कर सकते हैं। अल्लाह हमसे खिदमत ले ले, कमज़ोर हैं, आप सब हजरात हमारे लिए दुआ फरमाएं, जो भी खिदमत का मौका होगा हम करने के लिए तैयार हैं। ये दो अहम शोबे हैं जिस पर इंशाल्लाह बहुत जल्द एक हफ्ते के अंदर यह अमल हो रहा है। डायलिसिस वालों से दरख्वास्त है कि आप हजरत अल अंसार हॉस्पिटल में कराएं डायलिसिस, सिर्फ 400 रुपये आपकी फ़ीस ली जाएगी, बाकी पेमेंट जो कुछ भी अफजूद अखराजात होंगे वह मस्जिद और मूवमेंट अदा करेंगे, और इंशाल्लाह और जो कुछ भी उसके ज़िम्मे अखराजात है वह हम उसकी ज़िम्मेदारी लेते हैं। एम्बुलेंस की सहूलत के साथ इंशाल्लाह ये काम होगा। ड्राप आउट बच्चों के सिलसिले में भी इंशाल्लाह उनकी हम जितना हो सके फ़ीस अदा करने में 750 रुपये अदा करके उनकी मदद करके उनकी तालीम में आगे बढ़ाएंगे। हजरत उलमा यहाँ तशरीफ़ फरमाते, उस्ताद मोहतरम मेरे यहाँ तशरीफ़ फरमा है, दीगर मौलाना अय्यूब अंसारी हैं, मौलाना ज़हीर साहब हैं और मौलाना मुदब्बिर साहब हैं, ये सब हजरत उलमा ये मुईन व मददगार हैं इस मस्जिद बन मोमिन के। इंशाल्लाह आप हजरत दुआ फरमावे, अल्लाह हमारी ये अहबाब की ये उजरात उलमा की खिदमत को कबूल फरमावे। मुझे बड़ी खुशी की बात ये है कि जहाँ जहाँ भी तश्कील करने के लिए गए बहुत सारे जम्मे गफीर लोगों का हम इस काम में हाथ बटाते हैं, हम इस काम में हाथ बटाएंगे जी, इसमें हमारे अलबदर मस्जिद में, निमरा मस्जिद में और दूसरे मसाजिद में भी हाथ बटाने के लिए तैयार है। आप साहब डिप्टी मेयर, उन्होंने मुझसे दरख्वास्त की, मेरी तरफ से एक डायलिसिस मशीन आपको मैं दे रहा हूँ कौम के नाम पर वक्फ है, अल्लाह उनको जजाय खैर दे, आफ्ताब साहब को और एक साहब ने भी डायलिसिस मशीन देना तय किया है, क्या ना ताहिर अली साहब ने एक डायलिसिस मशीन देना तय किया, अल्लाह उनको भी जजाय खैर दे, उनकी तजारतों में वसअत बरकत अता करे। उम्मीद रखता हूँ आप हजरात इसका ख्याल रखेंगे, हमारे मुईन व मददगार इस अहम काम पर बनाएंगे। अल्लाह हम सबको, आप तमाम को अजर अजीम अता फरमावे, मरीज़ों को शिफा अता फरमावे, ड्राप आउट बच्चों को अल्लाह आला तालीम की भी बढ़ा कर उम्मत के लिए काबिल फ़ख्र उहदों पर फाइज हों, इसकी हम दुआ करते हैं। व आखिर दावाना अनिलहमदिल्ला रबी आलमी। जिस तरह आपने मरीज़ों की सहूलत के लिए जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं वो सिर्फ मैसूर की हद तक हैं या मैसूर के अतराफ और इनकाफ के लिए? मैं मैसूर के अतराफ वकना मैसूर की डिस्ट्रिक्ट की हद तक तो हम कर रहे हैं ये काम। कि आप जिस तरह एम्बुलेंस की बात की है, क्या वो एम्बुलेंस दूर दराज तक भी जाएगी? जाएगी इंशाल्लाह, मैसूर डिस्ट्रिक्ट के अहाते के अंदर जहाँ कहीं भी हो वो खिदमत हम अंजाम देंगे इंशाल्लाह। हम किस तरह माने कि ये मुस्ताहिक हैं? डायलिसिस बहुत सारे लोग हमने देखे हैं, क्योंकि कोई बहुत अमीर भी होते हैं उनके बच्चे उनको जो है छोड़ देते हैं, उनका इलाज नहीं कराते, क्या उनके लिए भी ये लाइफ होती है? सबके लिए बिला तफरीक, मालदार गरीब कोई तफरीक नहीं हमारे पास, सबके लिए यह सहूलत है जी। ये मखसूस सिर्फ अल अंसार हॉस्पिटल में ही किया जाएगा? इस वक्त हमारा उनसे एक अग्रीमेंट हुआ है जी, हमारी उनसे एक बातचीत हो कर गए, बेहतर है अल अंसार में ही एडमिट हों वो लोग, वहाँ इलाज करा हमारी निगरानी में, सिर्फ 400 रुपये वो पे करेंगे, वो मंजूर करेंगे उसको। अच्छा, इस तरह तालीम की बात की अल कबीर स्कूल की, अल कबीर स्कूल में जो है बच्चों, अल कबीर नहीं कबीर स्कूल है वो, खाली अल कबीर वहाँ है वही मैं।
कबीर राजू नगर नहीं, अल कबीर नहीं है, कबीर है जी सर। कबीर स्कूल जो राजीव नगर में मौजूद है जिसका आपने जिक्र किया, वहाँ पे आला तालीम है या सिर्फ पहली जमात से लेके दसवीं जमात तक है? सातवीं जमात तक की फिलहाल तालीम है वहाँ पर, और नेक्स्ट आगे प्लान उसको आगे बढ़ाना है। हो सकता है अल्लाह एक जगह हमें फराहम कर दे तो एक आला तालीम तक हमारा बहुत ख्याल है कि कम से कम फीसों पर इन बच्चों को आला तालीम दिलाकर उनको आला अहदों पर फाइज करना हमारा ख्वाब है मस्जिद वन मोमेंट का, इसलिए इंशाल्लाह ये आगे बढ़ाएगी। कोई प्रॉफिट नहीं, नो प्रॉफिट है, नो लॉस भी नहीं करेंगे हम, प्रॉफिट भी नहीं होगा। और ये खिदमत हम डायलिसिस का मामला हो या स्कूल का मामला हो, नो प्रॉफिट नो लॉस पर ही हम ये काम लिल्ला खिदमत के लिए कर रहे होते हैं। सर एक और सवाल, जिस तरह मस्जिद वन उलमाए मैसूर की जानिब से जो संगे की जो बहुत ही ये क्या बोलते हैं उसमें लानत है, जिस तरह वह कौम जो है उसमें उसकी लत लग गई है कौम को, खुसूसन औरतें खवातीन जो है इसमें शामिल हुई, उसको जो है कहाँ से कहाँ तक आपने उसको दूर करने की सोची है शहर मैसूर? हमारा एक तीसरा खिदमत खल्क का शोबा यही है जी, माइक्रो फाइनेंस के नाम से अभी उस पर हमारी बात चल रही है जी। जो डायरेक्टर्स बैंकों के हैं उनको एक मर्तबा मीटिंग में बैठकर ये काम कैसे करना है, कौम को पैसे कर्ज़ा कैसे देना है, रिकवर कैसे करना है, ये सारे मामलात पर इस्लाम के उसूल के मुताबिक कर्ज़ हसना देना, कर्ज़ हसना वापस लेना, कोई इसके अंदर प्रॉफिट नहीं होगा। शायद सर्विस चार्ज पर कुछ बात हम करना चाहेंगे, वो भी हमारा जो ज़ाती खर्च है उसको छोड़कर कोई खर्च नहीं, इंशाल्लाह वो आइंदा मरहला तय होगा, अभी फ़िलहाल तो नहीं हो रहा है, आइंदा इंशाल्लाह इस पर बात हो रही। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واسمع لنا ما من الله يا واسع الكريم اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما کوتاہیوں کو درگزر فرما ہمیں تیرے احکام پر چلنا آسان فرما اے اللہ مشکلات کو دور فرما اے اللہ امت پر رحم فرما اے اللہ ایک اور نیک بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما تیرا احکامات کی پابندی کی توفیق عطا فرما اے اللہ مسجد ون مومنٹ جو جس بیڑے کو اٹھایا ہے اللہ اس کا تعاون فرما اے اللہ اس کی مدد فرما خلوص اور للہیت کے ساتھ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ آپ کے مخلوق کی خدمت آپ کو بہت زیادہ پسند ہے اے اللہ اس خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما اس کا اجر عظیم عطا فرما ہر ایک کو نیک اور ایک بن کر اس خدمت کو کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اس میں برکت نصیب فرما رکاوٹوں کو دور فرما مشکل کو آسان فرما ہر قسم کے پریشانی کو دور فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین